व्हाट्सएप यूजर्स उपयोगकर्ता सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि यदि आप किसी भी फर्जी या झूठे संदेश को अग्रेषित कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कि या किसी प्रकार का अफवाहों के प्रसार में मध्यस्थ हैं, यानी कि इंटरमीडियरी हैं, तो आप भारतीय दंड सहित और सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम के तहत, यानी इंडियन पीनल कोड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत गंभीर आपराधिक कार्रवाई और अभियोजन का सामना कर सकते हैं। अगर फर्जी और गलत संदेश कोरोना वायरस महामारी से संबंधित है तो आपदा प्रबंधन कानून, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। तो कृपया अफवाहों और झूठी खबरों को फैलाने से रोकने के लिए व्हाट्सएप दिशा निर्देशों का आप काफी ध्यान रखें, क्योंकि हम सब लोग व्हाट्सएप का काफी प्रयोग करते हैं। समझें कि फॉरवर्ड किया गया मैसेज कैसा हो सकता है। आपको मिलने वाले मैसेज पर फॉरवर्ड किया गया लेबल लगा होता है, आप सबने देखा होगा, जिससे आपको जानने में आसानी होती है कि आपको मिलने वाला मैसेज आपके दोस्त या परिवारजन ने लिखा है या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने। जब किसी मैसेज को 5 से ज्यादा बार फॉरवर्ड किया जाता है तो उस पर 2 एरो दिखाई देते हैं, आपने ये देखा होगा, नोटिस किया होगा। जब आपको पता ना हो कि आपको मिलने वाला मैसेज असल में किसने लिखा है, तो ऐसे में मैसेज की अच्छे से जांच करके पता लगाएं कि वह मैसेज सच है या नहीं, क्यों चूंकि आप किसी दुविधा में या कानून की वायलेशन में उल्लंघन में आप खिंच सकते हैं, आप फंस सकते हैं। फोटो और वीडियो पर जल्द ही यकीन ना करें, ये व्हाट्सएप का भी सुझाव है और मेरा भी सुझाव है। फोटो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो आपको बहकाने के लिए भी भेजे जाते हैं, ये हमने देखा है कई व्हाट्सएप मैसेज में वीडियो वगैरह ऐसे आते हैं जो बाद में फिर पता चलता है कि ये बहुत ही पुराने हैं या मॉर्फ्ड हैं या उनको किसी तरीके से मैनिपुलेट किया गया है। उनमें दिखाए गए हमेशा सच नहीं होता, उसमें कुछ भी जो वीडियो में दिखाया जाता है। अगर खबर सच्ची होगी तो जरूर किसी न्यूज़ चैनल या रेडियो पर भी दिखाई या सुनाई जाएगी, इसलिए खबर की सच्चाई का आप जरूर पता लगाएं। जब जब एक खबर कई जगह छपती है तो उसके सच होने की संभावना बढ़ जाती है। थोड़े अलग लगने वाले मैसेज से भी सावधान रहें। कई बार आप को कुछ ऐसे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप में जो आपको खुद लगता है कि बहुत ही अनहोनी सी लगती है उन मैसेज को देखकर, तो उन तरह के मैसेज वगैरह से आप सावधान रहें। आपको मिलने वाले मैसेज या वेबसाइट्स के लिंक में अगर गलत स्पेलिंग होते हैं तो उनमें शामिल खबर झूठी हो सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और कई बार कोई लिंक खुलते भी नहीं है, तो आप ये लेके चलिए
90% ऐसे मैसेजेस फेक हो सकते हैं। इन संकेतों को देखें ताकि आप पता लगा सकें कि जानकारी सही है या नहीं। तो कोई भी मैसेज जब आता है तो उस पर एकदम विश्वास या यकीन या बिलीव ना करिए, उसकी उसको पहले उसकी कोई तहकीकात कीजिए फॉरवर्ड करने से पहले। फॉरवर्ड तो बिल्कुल मत करिए अगर आपको उसकी सच्चाई पे थोड़ा सा भी शक है। अपनी विचारधारा से जुड़े मैसेज को ध्यान से जांचें जो आपकी विचारधारा से जुड़े हैं। ऐसे मैसेज की दोबारा जांच कर लें जो आपकी विचारधारा से संबंधित होते हैं। अक्सर ऐसे मैसेज की सच्चाई परखने की कोशिश करें। वे बातें जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है अक्सर झूठी होती हैं। अफवाहें झूठी होती हैं, अफवाहें जल्दी फैलती हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर मैसेज कई बार शेयर किया जाए तो सच ही होगा। कई बार अफवाहें ज़्यादा जल्दी फैलती हैं, जैसे मैंने कहा, सिर्फ इसलिए मैसेज फॉरवर्ड ना करें क्योंकि मैसेज भेजने वाला आपसे मैसेज की को शेयर करने के लिए बार बार कह रहा है। कई बार ये होता है, आपको मैसेज लिखकर लोग बोलते हैं कि ये तुम फॉरवर्ड कर दो, ये जितना फैला सकते हो फैला दो, तो आप उस चीज से भी बहुत बहुत सावधान रहें। सोच समझकर मैसेज को फॉरवर्ड करें। अगर आपको किसी ने ऐसा मैसेज भेजा है जो आपको लगे कि सच नहीं है, तो जिसने आपको वह मैसेज भेजा है उससे मैसेज के सच होने का प्रमाण मांगें। उसमें कोई शर्म ना करें। आप बिल्कुल आप प्रमाण मांग सकते हैं कि बताइए कि इसमें क्या सच है, आपको कहाँ से ये मिला है ये मैसेज, या इसमें जो आपने लिखा है वो आप किन तथ्यों के अनुसार और क्या किन तथ्यों के ऊपर आप ये कहना चाह रहे हैं। अगर कोई ग्रुप में या कोई व्यक्ति बार बार अफवाहें या झूठी खबरें भेजता है तो उसकी रिपोर्ट करें 100%। अगर वो आपका बहुत ही नज़दीकी है, आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार है, तो आप उसको कॉशन करिए, उसको वार्निंग दीजिए, और अगर वो नहीं माने तो आप उसकी भी रिपोर्ट करें, कानून की सहायता करें इस प्रावधान को लेकर। खबर के सच होने का पता लगाएं, जरूर ये आपकी एक ड्यूटी बनती है एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन। अगर आपको यकीन ना हो कि मैसेज में मौजूद जानकारी सच है या झूठ, तो ऐसे में तथ्यों की जांच करें और न्यूज़ पर खबर के सच होने की जांच करें, वेरीफाई करें उसको। अगर आपको फिर भी यकीन ना हो कि मैसेज में मौजूद जानकारी सच है या झूठ, तो ऐसे में उन लोगों से पता करें जिन पर आपको भरोसा है। इसमें बिल्कुल किसी भी तरीके की आपको कुताही नहीं बरतनी है, चाहे वो मैसेज आपको फॉरवर्ड करना है नहीं करना है। अगर आपको कोई ऐसा मैसेज मिला है जिसके बारे में आप जानकारी पाना चाहते हैं कि वो सच है या झूठ है, तो बिल्कुल निसंकोच आप अपने भरोसे के किसी मित्र को या रिश्तेदार को मैसेज पढ़ के सुनाएं और भेजें मत, पढ़कर सुनाएं या उसके बारे में उनसे पूछें कि ये सच है या नहीं है, और उसके बाद फिर आप अपना फैसला लें। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आखिर में आपको बोलना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि आप या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार के खतरे में है, ये ध्यान से सुनिए,
कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के खतरे में है तो कृपया अपने पास के पुलिस स्टेशन से जरूर संपर्क करें। ऐसी परिस्थितियों में वे आपकी बेहतर रूप से मदद कर सकते हैं, तो उसमें भी आप बिल नहीं संकोच मत करिए, आप किसी भी तरीके से संकोच ना करिए और पुलिस को इतला करिए, चाहे वो फोन से या खुद जाकर।